नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज मैं बताऊंगा आपको फ्रेश कॉपी सेटअप करना है आपको सिनकट प्रो का। तो उसके लिए मेन बातें रहेगी, आपका सिस्टम में सी डी और एक्स नाम से ड्राइव होना जरूरी है। सी डी एक्स अगर मान लीजिए आपने सेटअप नया किया है, सिंगल हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो उसमें सी डी ई एफ ऐसे कुछ आके आपके पार्टीशन आ जाएंगे। लेकिन आप उन्हें पार्टीशन चेंज कहाँ से करेंगे? कंप्यूटर पर राइट क्लिक मारना है, मैनेज पे जाना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और आपका डी और एक्स का जो आपका जिसमें ट्विस्टर का फोल्डर है वो आपका डी रहेगा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको एक्सप्लोर पे करके। ये देखिए, ट्विस्टर जो फोल्डर है मेरा वो डी के अंदर है, तो इसका तो डी करना है इसको, ड्राइव को। आपको डी ड्राइव इसको कैसे बनाएंगे, आप राइट क्लिक मार के इस पे आता है आपका चेंज ड्राइव लेटर पाथ, इस पे करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पर डी ऑलरेडी है मेरे पास, तो डी आ गया, ओके करना है। इस तरह से आप इसको डी ड्राइव कर सेट करके, और एक्स ड्राइव भी इसी तरह आप सेट कर सकते हो चेंज ड्राइव लेटर पाथ करके। ये देखिए, अगर ये पहले से किसी ड्राइव का डी ड्राइव ले रखा है नाम और आपको चेंज करना है, तो पहले जिस ड्राइव ने डी ड्राइव का नाम ले रखा है उसका ड्राइव चेंज करना है आपको, वही सी डी एक्स चेंज चेंज ड्राइव लेटर में जा करके। फिर उसके बाद में आता है अपना सेटअप। सेटअप कैसे करेंगे आप? सेटअप के लिए माई कंप्यूटर खोलना है, एक्स ड्राइव में अपना इंस्टॉलेशन का फोल्डर दे रखा है कंपनी ने। ये देखिए, इंस्टॉलेशन का फोल्डर है मेरे पास, इसको ओपन करना है अपने को। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले सेटअप चलाना है अपने को सिनकट प्रो का, जो अपना मेन सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप चलाना है। तो उसका सेटअप चलाने के लिए मेरे पास 7.9.1 है, इसको खोलना है। ये देखिए, सबसे पहले इसको रन करना है सॉफ्टवेयर को अपने को। ये इंस्टॉल होने के बाद थंबनेल वाला फोल्डर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है, तो उसको डबल क्लिक करके आपको इसको भी इंस्टॉलेशन कर लेना है। वही सेम प्रोसेस है, डबल क्लिक मारना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डिस्क चेक के लिए पूछेगा, उसके लिए स्किप कर देना, फिर नेक्स्ट 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 करना है आपको। फिर ये थंबनेल वाला हो गया। इस सेटअप के बाद में दो नंबर का फोल्डर रहेगा आपका इफेक्ट का, ये दो नंबर, वही फिर डबल क्लिक मारना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं अपन, तो अपने को सारे सेटअप चलाने पड़ेंगे। तीन नंबर पे अपना इफेक्ट है लैंग्वेज वाला, फिर ये आ गए हिंदी के, आ गए इफेक्ट आ गए, फिर अपने पास आ गए एक्सटेंशन हिंदी इफेक्ट्स वाले आ गए, फिर अपने पास फिर वो इफेक्ट है, फिर ये फोल्डर, इसमें सारे इफेक्ट फोल्डर दे रखे हैं। अगर आपके अलग अलग फोल्डर में भी पड़े हो सकते हैं तो आप इनको कृपया इंस्टॉल कर लें। ये देखिए, 162, 172, 195, 308, 227, 207, 294, 239, ये आप इंस्टॉल कर लें। वही सेम प्रोसेसर है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपका आ गया ये टाइमलाइन के इफेक्ट आ गए, इसको छोड़ देना आप, ये आपके ज़्यादा भी काम में नहीं है। फिर इसके बाद लेगरत को या तो कर लीजिएगा, ये तो कोडेक न्यू का नाम से फोल्डर एक और है, उसमें लेगरत भी है आपका, इसका सेटअप वही नेक्स्ट वगैरह सेटअप, FFMG, ये सारे सेटअप चलाने हैं। फिर इफेक्ट ब्लैक, ये भी सेटअप चलाना है, ये भी चलाना है, ये तीनों चलाने हैं, ये भी चलाना है, ये भी चलाना है, ये भी चलाना है और ये भी चलाना है। ग्राफिक ड्राइवर आप अपने हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से डाल लोगे। और फ्रेश सेटअप करें तो अपने को ये पैक भी डालने पड़ेंगे, जो अपने पैक पे डाउनलोड कर रखे हैं या अपने पास नहीं है, या फिर नए पैक लिए हैं अपन ने जो कॉपी करा के लाए हैं हार्ड डिस्क में, जैसे भी हैं, तो आप इनको इंस्टॉल कर लेना सबको। सारे पैक इंस्टॉल करने के बाद में सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करना है सिस्टम को अपने। रिस्टार्ट करने के बाद में सॉफ्टवेयर रन करना है। सॉफ्टवेयर रन करोगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होके रन हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा खुद का फीडबैक बनाने में, खुद की फाइल लोड करने में। इस तरह से आप फ्रेश कॉपी इसका आराम से इंस्टॉल कर सकते हो।
अगर अगर आप पहले से आपके पास 7.9.0 था और 7.9.1 इंस्टॉल करना है आपको, तो उसके लिए आपको करना है माय कंप्यूटर जाना है, एक्स खोलना है। पहले तो जाना है आपको कंप्यूटर में अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम में, वहाँ से आपको जो पुराना वर्जन है उसको रिमूव करना है। जो पुराना वर्जन रहेगा आपका उसको यहाँ से रिमूव करना है, रिस्टार्ट करना है मशीन को। फिर मशीन दोबारा चालू करने के बाद आपको वही जाना है इंस्टॉलेशन के फोल्डर में, सीन कट प्रो का इंस्टॉलेशन करना है इसका। इसका इंस्टॉल करने के बाद में आपको इफेक्ट के सेटअप तो सारे चलाने पड़ेंगे, यानी कि ये जो कोडेक पैक तक है यहाँ तक आपको सारे इफेक्ट चलाने हैं। बाकी जो अपने सॉन्ग प्रोजेक्ट हैं प्रोमो कट के, उनको दोबारा सेटअप चलाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि वो अपने पास पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। बस उनको अपन रेगुलाइज करने के लिए अपने को कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये ले लीजिए अपन 2.0 SS करके। इसको लोकेशन नहीं मिल रही, लोकेशन दूसरी दे दो। यहाँ पर आपको हेल्प में जाना है और अपडेट प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट वर्जन पे अपडेट पे क्लिक करना है और आपको एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना है। मेरे अभी नेट डिस्कनेक्ट है इसलिए नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।